नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर रुदौली अयोध्या से आ रही है। यात्रियों को लेकर अयोध्या की तरफ से लखनऊ जा रही परिवहन निगम की बस में लगी आग। राष्ट्रीय राजमार्ग रोजा गांव ओवरब्रिज पर धुंधू कर जली रोडवेज बस, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं चल पाया है पता। बस में लगी आग बुझाने का किया जा रहा प्रशासन द्वारा प्रयास सफल रहा। मौके पर चौकी पुलिस प्रभारी भेलसर विनय कुमार यादव, सिपाही दीपक कुमार यादव, शनि कुमार सहित भारी पुलिस बल मौजूद। अयोध्या से शुभम पाठक की रिपोर्ट। रुदौली थाना क्षेत्र में रोजा गांव फ्लाईओवर पे जो एक दोहरी घाट डिपो की बस, उसका बस नंबर UP50BT4624 है, वो दोहरी घाट से दिल्ली के लिए जा रही थी, जिसमें लगभग 39 लोग ड्राइवर ने बताया कि सवार थे, और अचानक उसमें किसी टेक्निकल खराबी से पहिए के नीचे से आग सी लगी, और जब उसको पता चला कि आग बढ़ गई तो गाड़ी को रोक दिए थे। वो ओवरब्रिज पे ही सभी सवारी उसमें से उतार लिए गए और कोई जनहानि नहीं है, लेकिन उस बस में जो है आग लग गई, जिसे पूरी तरह से ट्रैफिक NH पे रोक के हमारी पुलिस तत्काल पहुंची और ट्रैफिक डाइवर्ट किया, और किसी तरह की जनहानि नहीं है। बाकी यातायात व्यवस्था NH पे सुचारू की जा रही है।